बूथ समितियों को कैसे सशक्त बनाया जाए और नव संवत की तैयारियों पर भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं से नव संवत कार्यक्रम में आम जन को जोड़ने का आह्वान किया। इस दौरान संगठन प्रभारी अखिल शुक्ला ने जानकारी दी कि भाजपा संगठन की बैठक में बूथ स्तर को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही 9 अप्रैल से मनाए जाने वाले गौरव सप्ताह की तैयारियों पर भी बात की गई। ये संगठन की मीटिंग है। ये संगठन की मीटिंग में हम लोगों ने सब जो बूथ समितियां बनाई हुई हैं, उन सब बूथ समितियों को और कैसे सशक्त बनाया जाए, इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो बूथ का जो प्रवास हम जिस तरह से करेंगे वो कार्यक्रम है, नव संवत्सर का जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं उसकी भी हमने चर्चा करी है। और हम लोगों ने सारा जो 21 सदस्य हमारी बूथ समितियां हैं उनको और कैसे हम सशक्त बनाएं वो सब चर्चा हुई है। गौरव सप्ताह जो हम 9 अप्रैल से मनाने वाले हैं उस बारे में भी हमारा एक पूरा विचार विमर्श हुआ है। तो इस तरह से संगठनात्मक एक बैठक है, संगठन को मजबूत करने की बैठक। हार के बारे में तो पता ही कि हम जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं, परंतु पार्टी और मजबूती के साथ उभरे। अभी आपने देखा कि त्रिपुरा वगैरह में भी अच्छे परिणाम रहे हैं। इसके अलावा पार्टी तो जहां 2 सीटें थी उसके बाद ही तो बहुत उभर करके संगठन धीरे धीरे बढ़ा है। तो हम सब लोग हार से एक तरह का सबक लेते हुए और पार्टी को मजबूत करते हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हों, और 180 प्लस का जो हमारा माननीय वसुंधरा जी ने जो हमें लक्ष्य दिया है वो हम सब प्राप्त करें, इसके लिए हम सब लोग लग गए हैं। राजस्थान पूरे प्रांत के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से पूरे तनमन से हम जी जान से लग चुके हैं। 18 मार्च को नव संवत्सर का कार्यक्रम है और नव संवत्सर सर हमारे हिंदू संस्कृति में हमारा नववर्ष माना जाता है। ये सबके लिए एक तो मंगलमय है, उसकी मैं सबके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ सबको। और इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए पार्टी में कई तरह की योजनाएं चल रही है और तरह तरह के कार्यक्रम रख रहे हैं, होर्डिंग्स लगाना और पंपलेट्स वगैरह बांटना और जैसे अपना स्टिकर है वो देना और अपने बैनर वगैरह लगाना, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चल रही है। और सारे मंडल अध्यक्ष हैं उनको भी आज आदरणीय शुक्ला साहब ने सबको निर्देशित भी किया है और सबको इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए भव्य से भव्यता कैसे बने इस तरह पर विचार। गौरतलब है कि इस बार भाजपा नव संवत पर पूरे देश में एक भगवा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत भाजपा और आरएसएस से जुड़े संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को युवाओं को रूबरू कराना है।